उज्जैन जिले के महिला बाल विकास विभाग में ड्यूटी करने वाली महिलाएं कर्मचारियों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के निर्देश के बाद महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर छा गई है। बीओ उज्जैन जिले में महिला बाल विकास के द्वारा संचालित होने वाली आंगनबाड़ियों में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी काम करती थी और शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में काम करती थी। साथ ही जो दिशा निर्देश महिला बाल विकास के अधिकारियों के द्वारा दिए जाते थे उसका पालन किया जाता था आंगनबाड़ियों पर, और यह महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी पर कई वर्षों से काम कर रही है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब इन महिलाओं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे यह महिला कर्मचारी बेहद खुश हैं। और इन महिला कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने हमारा जो वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है यह बेहद अच्छा निर्णय है, हम सब महिला कर्मचारी बहुत खुश हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या नाम है आपका? पुष्पा जैन। अच्छा, आप महिला बाल विकास में किस पद पर काम करती हैं? अभी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महिला जो काम करती हैं महिला बाल विकास में उनके पैसों की बढ़ोतरी की जाएगी, तो किस प्रकार से निर्णय अच्छा है और किस प्रकार से फायदे होंगे इसके? अच्छा है, फायदे होंगे, काम भी हमारे बहुत सारा महिला बाल विकास का, छोटे से छोटा अधिकारी आता है हमारे पास में ही आता है, तो उससे ये तो फायदा रहेगा ना, थोड़ा आपके पैसे बढ़ते आएंगे। अच्छा, करीब कितने वर्षों से आप लोग महिला बाल विकास में काम कर रही हैं महिलाएं, और किस प्रकार से काम करती हैं, क्या रहता है? कम से कम 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, शासन की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए काम करते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, सरकार का जो निर्णय है कैसा है, फायदेमंद रहेगा अच्छा रहेगा, क्या कहेंगी? फायदेमंद रहेगा। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं जो होंगी जो काम करती हैं महिला बाल विकास में अपने यहाँ का? पूरी तहसील में अच्छा 148 गाँव है। हाँ, सभी महिलाओं के हित में फैसला है ये, सभी महिलाओं के हित में फैसला है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।